Question number first, a geyser heats water flowing at the rate of 3 liters per minute from 27 degrees Celsius to 77 degrees Celsius. If the geyser operates on a gas burner, what is the rate of consumption of the fuel if its heat of combustion is 4 into 10 raised to power 4 joule per gram? इस क्वेश्चन में कहा गया है, यदि एक गैस गीजर एक मिनट में 3 लीटर पानी को 27 डिग्री सेल्सियस से 77 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर सकता है, तो अपने को यह बताना है कि रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ फ्यूल क्या होगा, मींस फ्यूल के कंज्यूम होने की गति क्या होगी, या हम कहें कितना फ्यूल खर्च होगा पर यूनिट टाइम में। हमको एक चीज गिवन है कि जो हीट ऑफ कंबशन मींस एक ग्राम फ्यूल यदि बर्न होता है तो वो 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 जूल हीट प्रोड्यूस करता है। आप सॉल्यूशन देखेंगे, हमें गिवन है इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर 77 डिग्री सेल्सियस। अगर हम चेंज इन टेम्परेचर निकालें तो वो आ जाएगा T2 माइनस T1 मींस 77 माइनस 27 इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। हीट ऑफ कंबशन हमें गिवन है, ये चीज हमें याद करनी पड़ेगी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर C इज इक्वल टू, ये होता है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। पहले आप स्पेसिफिक हीट समझ लें। स्पेसिफिक हीट होता है एक यूनिट मास का टेम्परेचर एक डिग्री राइज करने के लिए हमें जो हीट चाहिए होती है वो उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट होती है। यहां इस इक्वेशन से आप समझें कि हमें 4.2 जूल एक ग्राम वाटर का टेम्परेचर एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हीट चाहिए। हमने एक ग्राम का टेम्परेचर के लिए देख लिया और एक डिग्री सेल्सियस के लिए देख लिया। अगर हम टोटल मास से इस चीज को मल्टीप्लाई कर दें और टोटल टेम्परेचर राइज से इस चीज को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल हीट रिक्वायर्ड आ जाएगी। हमने मास देखा, मास गिवन था 3 लीटर पर मिनट। लीटर को अगर हम किलोग्राम में चेंज करते हैं तो 1 लीटर में 1 किलोग्राम वाटर आता है। अगर हम लीटर को ग्राम में चेंज करते हैं तो 1 लीटर में 1000 ग्राम वाटर आता है, तो 3 लीटर में कितना आ जाएगा, 3000 ग्राम पर मिनट, मींस इतना वाटर पर मिनट फ्लो कर रहा है। अभी हमने डिस्कस किया था कि टोटल हीट यूज कैसे निकाल सकते हैं यदि हमें स्पेसिफिक हीट पता हो, तो टोटल मास से मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल चेंज इन टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मास हमने अभी फाइंड आउट किया 3000 इंटू में स्पेसिफिक हीट हमारे पास 4.2, यहां देखें चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास 50 है। इन तीनों को मल्टीप्लाई जब किया तो हमें पता चला कि इतनी टोटल हीट चाहिए 6.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 जूल पर मिनट। एक मिनट के अंदर अगर हमने पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री तक बढ़ाना है तो हमें इतनी हीट चाहिए होगी। हमें गिवन है एक ग्राम फ्यूल बर्न होने पे इतनी हीट प्रोड्यूस कर सकता है। अगर हम जितनी क्वांटिटी चाहिए और हमें एक ग्राम के अंदर जितनी हीट मिल रही है इन दोनों को डिवाइड करके तो हमारे पास आ जाएगा 15.75 ग्राम पर मिनट। मतलब मुझे एक मिनट में इतना फ्यूल चाहिए होगा, 15.75 ग्राम फ्यूल एक मिनट में चाहिए होगा। यही अपना आंसर है। थैंक यू वेरी मच।